गौरव अग्रवाल, नवजोत सिंह सिद्धू अब तक तो सियासत में छक्के और चौके लगाते रहे, लेकिन अब उन्होंने अपनी बैटिंग की पिच का निर्माण भी कर लिया है। सिद्धू ने पूर्व हॉकी स्टार प्रगट सिंह और सिमरजीत सिंह बैस के साथ एक नया फोरम, एक नया फ्रंट लॉन्च किया है और नाम दिया है आवाज़े पंजाब। इस फोरम के लॉन्च पर सिद्धू ने आप और बीजेपी पर जमकर वार किए, केजरीवाल का आधा सच बताया तो बीजेपी पर अपनी अनदेखी करने का सीधा आरोप लगाया। पंजाब में सिद्धू आवाम की आवाज बनेंगे या नहीं, ये विधानसभा चुनाव के नतीजे पर निर्भर करता है, लेकिन फोरम ही सही, पंजाब चुनाव पर इसका असर जरूर होगा। देखना यह है कि आप पर कितना होता है इसका असर और बीजेपी अकाली दल गठबंधन पर कितना होता है, यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। क्या सिद्धू बनेंगे पंजाब की आवाज? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी सपोर्टर ब्रजेंद्र मुदगिल है, मेरे साथ बीजेपी के की स्पोक्स पर्सन शाजिया इल्मी जुड़ेंगी थोड़ी देर में, मेरे साथ फॉर्मर एमएलए कांग्रेस अनिल भारद्वाज जुड़े हुए हैं शो में, मेरे साथ अकाली दल से हरचरण बैस हैं और मेरे साथ करण सिंह हैं, पॉलिटिकल डेटा साइंटिस्ट हैं और ऑक्सफोर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एलुमनाई हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और करण सिंह, सबसे पहले एक न्यूट्रल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा करण सिंह, क्योंकि आप पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके को समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, और जो पंजाब की पॉलिटिक्स में हाल फिलहाल में हो रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के भीतर घटित हो रहा हो और चाहे आम आदमी पार्टी से बाहर सिद्धू ने एक नया मोर्चा बनाया हो, ये कितना इंटरेस्टिंग है और ये क्या असर डालेगा आने वाले दिनों में पंजाब चुनाव पर? बिल्कुल, आई थिंक जो सिद्धू जी ने एक पार्टी अपनी नई बनाई है और आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर अपना फोरे कर रही है, डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। आई वेलकम दिस, बिकॉज जो हमारा वोटर है वो बहुत डेकेड्स के बाद आज उनको एक ऑप्शन टू एक्सरसाइज देयर चॉइस मिल रहा है। पार्टीज विल कम्पीट और जब जब कंपटीशन क्रिएट होता है तभी इलेक्टोरेट के लिए, स्टेट के लिए ही अच्छा है। एंड सो आजकल जैसे बोलते हैं कि एक स्टार्टअप का फ्लेवर ऑफ द सीजन चल रहा है, उसी तरीके से व्हाई नॉट पॉलिटिकल स्टार्टअप्स। बिल्कुल अच्छी बात है कि नई पार्टीज आ रही हैं, अपनी नई पॉलिसीज, अपनी नई एग्जीक्यूशन प्लान्स लेके आएंगी। सो आई कम्प्लीटली वेलकम दिस step that Sidhu ji has also gone up and made a new party. And continuing with a neutral point, dekhna lekin ye padega ki political rhetoric se hatke ye parties kis kisam se execution plans apne banate hain. Nahin. Punjab ka jo voter hai wo bahut hi samajhdar hai, politically participative hai, roughly 80% ke aas paas voter turnout tha last state elections mein. To is time aap sirf khali ekdam vaide karke chhod ke chale jaye to nahi chalega. We need to see a detailed plan. किस तरीके से industry, employment, investments को augment किया जाएगा state के अंदर? That is the most critical part. करण सिंह, लेकिन एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, एक अकाली दल से आए हुए नेता, एक बीजेपी से आए हुए नेता, एक ऐसे नेता जो निर्दलीय हैं, इन सब ने मिलकर एक दल बनाया है और ये इतनी नजदीक चुनाव पर आकर क्या ये जनता को कन्विंस कर पाएंगे उनको वोट देने के लिए, क्योंकि चुनाव जनवरी या फरवरी में हो जाएंगे? एक आम आदमी पार्टी है जो इतने सालों से वहां पर अपना जमीन तलाशने, जमीन बनाने की कोशिश कर रही है, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की 10 सालों से सरकार चल रही है, कांग्रेस का इतना लंबा इतिहास है, तो इतनी बड़ी पार्टियों के बीच क्या ये मोर्चा कुछ कमाल दिखा पाएगा? देखिए, बात ऐसी है कि जो नंबर्स बता रहे हैं इस टाइम, बिकॉज आम आदमी पार्टी वहां पे आ गई है और उनके कुछ पार्टी कार्यकर्ता ने छोड़ के और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता छोड़ के अपनी नई पार्टी बना रहे हैं, एब्सोल्युटली न्यू एक कंकॉक्शन है, ये नंबर्स को तो जरूर चेंज करेगी। क्योंकि आप देखिए, जो इनका वोट शेयर मैट्रिक्स था लास्ट टाइम, 40% वोट्स रफली कांग्रेस के पास थी, 35% शिरोमणि अकाली दल के पास थी और 7-8% बीजेपी के पास थी, वो डेफिनेटली वोट मिक्सचर इज गोइंग टू चेंज। एंड दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक सिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दी इलेक्टोरेट में थिंक कि ये देखिए एक अपॉर्चुनिज्म है, इनको अपनी पार्टी से डिसग्रंटल होकर इन्होंने अपनी नई पार्टीज बना दी हैं। लेकिन जो पॉइंट नोट करने वाला ये है कि पंजाब के अंदर रफली 1 करोड़ के आसपास युवा वोटर है, बिटवीन द एज ग्रुप 18-40 ईयर्स, और उसके अंदर एक अल्ट्रा यूथ कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं बिटवीन 18-19 ईयर्स, रफली 1 मिलियन, 8-9 लाख नया वोटर गुजरा है इस टाइम अपनी वोट कास्ट करने के लिए 2017 में। तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि किस पॉलिटिकल लीडर की क्या लेगेसी है,
उनको फर्क पड़ता है कि व्हाट आर द प्रॉमिसेस एंड हाउ दे आर गोइंग टू फुलफिल इट। ओके, बड़ी काम की बात आपने बताई कि अगर इतने लाख नए यूथ वोटर आ रहे हैं तो उनके सोचने का तरीका कुछ अलग होगा बाकी जो ट्रेडिशनल वोटर हैं उनसे। लेकिन हरचरण बैस साहब, अब आपके पास आऊंगा, सरकार आपकी है सर, 10 साल से सरकार में है और कई बड़े आरोप सिद्धू इससे पहले भी अकाली दल पर और आपके नेताओं पर लगाते रहे हैं। एक बार फिर जब आज वो बैठे तो उन्होंने कहा कि अकाली दल के खिलाफ उन्होंने बीजेपी छोड़ी है। लगता है हरचरण बैस साहब की सिद्धू की इस मुहिम का असर कुछ पड़ेगा आपके ऊपर? अब देखिए, जो पंजाब में हो रहा है पिछले कुछ समय से, उसमें एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, वो ये है कि जो अपोजिशन है पंजाब में, चाहे वो कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी थी या उनके दोनों ग्रुप और या ये नवजोत सिद्धू हैं, एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि द अपोजिशन इन पंजाब इज इन ए स्टेट ऑफ अटर कन्फ्यूजन। इनमें कोई भी एक बात, पहले तो इन आपस में इनका कुछ मिलता नहीं है और दूसरा जो पार्टी बनती भी है उनमें अंदर भी इतने विरोधाभास हैं, इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि वो 10 दिन चलती है और टूट जाती है। और अगर आम आदमी पार्टी केजरीवाल ग्रुप की बात करें, क्योंकि अब 2-3 ग्रुप हो गए हैं, तो केजरीवाल ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर भी अभी और एक्सप्लोशन होंगे। और ये इस बात के मैं बेसिस पे कह रहा हूँ कि अंदर से अभी से बागी सुरें जो हैं, जो नहीं सर, लेकिन 4 बार का एमपी, नेशनल लेवल का, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का सेलिब्रिटी, टीवी का एक बड़ा चेहरा, आपके प्रगट सिंह विधायक जो हॉकी के इतने बड़े स्टार प्लेयर रहे और हॉकी तो पंजाब की रग में बसती है, एक ऐसा विधायक जो लुधियाना में, जो लुधियाना जैसे रीजन में बहुत लोकप्रिय है, ये सब मिल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कोई खतरा है आपके लिए? देखिए, इनमें क्या है कि ये जो नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं, उनका जो इलेक्टोरल उनका मेटल है वो पंजाब में अभी तक टेस्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि जितने चुनाव उन्होंने लड़े हैं वो श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़े हैं, मतलब उनके टिकट पे लड़े हैं। और एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जो श्रोमणी भारतीय जनता पार्टी ने श्रोमणी अकाली दल के बगैर लड़ा हो। इसलिए ये कहना कि जो नवजोत सिंह सिद्धू की जो टीवी कैरिज्मा है वो उसको पॉलिटिकल कैरिज्मा भी मान लिया जाए, ये थोड़ा ज्यादा, हाँ, ये वाजिब बात है, अभी तक उन्होंने जो सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन लेकिन इसको नकार देना भी तो कहां से सही होगा ना सर? एक दूसरी, ये तो दूसरी बात और भी है। हाँ ठीक है, जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। मैंने नकारने वाली तो बात की ही नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, मैंने तो कहा नहीं है, मैंने तो ये कहा कि दे आर इन ए स्टेट ऑफ अटर कन्फ्यूजन, कि इनमें बिल्कुल कन्फ्यूजन है और ये आज 2 आदमी इकट्ठे होते हैं परसों को टूट जाते हैं, ऐसे चल रहा है। तो इसका जो एक ही पार्टी आपको ऐसी दिखाई दे रही है पंजाब में इस वक्त, और मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि श्रोमणी अकाली दल के होने की वजह से ऐसे कर रहा हूँ, या आप टेस्ट कर सकते हैं जो अगर मैं बात ठीक कर रहा हूँ, ठीक है, आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं कर रहा हूँ तो आप क्वेश्चन करेंगे कि एक ही पार्टी ऐसी आपको दिखाई दे रही है जो कि पोलिटिकली, न्यूमेरिकली, आइडियोलॉजिकली अपनी जगह पर टिकी हुई है और उसमें कोई ऐसा नहीं हो रहा है कुछ भी जिसको हम एक्सप्लोजन माने। और दूसरी जितनी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, इनको तो सर, लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं तो दूसरी पार्टियां भी कह रहेंगी, अपना लीडर ही डिक्लेयर कर दें। आप जिस पार्टी, जिस बात को कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में कुछ नहीं है, बाकी सारी पार्टियों में है, कांग्रेस भी, कांग्रेस से पूछ लें तो यही आरोप लगा देंगे, वो 10 नाम गिना देंगे श्रोमणी अकाली दल के। अनिल भारद्वाज मानते हैं इस बात को जो हरचरण बैस साहब कह रहे हैं कि इनकी पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टूट फूट नहीं, बाकी सारी पार्टियां अटल कंफ्यूजन में है? मैं तो आपको जो नहीं, ये तो गौरव जी, अब ये तो जनता तय करेगी, जो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा अधिकार है मत का, वो मतदान तय करेगा कि इन पे कितना भरोसा लोग करते हैं और कितना अच्छा इनके दल ने काम किया है, 10 साल इनके सुशासन को देखा है पंजाब की जनता ने, तो अब वो तय करेंगे जी। ठीक, शाजिया भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी लीडर। शाजिया, यहाँ तक आपके बड़े नेता जी, अच्छा बात पूरी कीजिए, अनिल भारद्वाज अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं कह रहा था कि श्री नवजोत सिद्धू जी ने जो अपना पंजाब फोरम बनाया है, आवाज पंजाब, हम स्वागत करते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे कोई भी राजनीतिक दल जो नया बनता है उससे बहुत उम्मीदें होती है, लेकिन ये भी जनता तय करेगी। मजे हुए राजनीतिक गए, उन्होंने सोचा कि शायद आप पार्टी के वो नेता अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली रहते हैं और दिल्ली की जनता को भी भरोसा, अपना विश्वास नहीं हासिल कर पा रहे, और वो पंजाब में आकर विश्वास की बात कर रहे हैं कि मैं पंजाब के हितों की रक्षा करूंगा, पंजाब के साथ रहूंगा, तो शायद सिद्धू जी को लगा होगा कि मैं तो पंजाब का हूं तो मैं ज़्यादा
बेहतर तरीके से पंजाब की बात कर पाऊंगा। फैसला तो जनता के हाथ में, वो तय करेगी कि किस चलिए विजय जी सर, ये तो बिल्कुल मानी हुई बात है कि जनता ही तय करेगी कि किसको क्या करना है। लेकिन शाजिया, क्या लगता है आपको, आपका एक ऐसा नेता जो आपका स्टार प्रचारक था, स्टार कैंपेनर था, 2014 में जब प्रधानमंत्री, जो अब के प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे नरेंद्र मोदी, उनके लिए जमकर जिसने प्रचार किया, जमकर वोट मांगे, और आज जब वो आपके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेगा, तो आपके लिए खतरे वाली बात ज़्यादा नहीं है शाजिया? नहीं, देखिए भाजपा और अकाली दल का एक पुराना गठबंधन रहा है और वो गठबंधन बना हुआ है। अभी जो मैं सुन रही हूँ वो अभी लेटेस्ट जो बयान अरविंद केजरीवाल का आया है कि वो बौखलाकर पहुंचे हैं पंजाब में और वो कह रहे हैं कि वो खूंटा गाड़ कर बैठेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें कुछ खतरा महसूस हुआ है कि उनको लगने लगा है कि शायद वो जो क्रेडिबिलिटी थी, वो जो एक जिस तरह से बढ़ रही थी, उफान पर जा रही थी पार्टी, उसकी लोकप्रियता एकदम से गिरती जा रही है और अब एक नई पार्टी का गठन हो रहा हो गया है और भी सिद्धू जी के लीडरशिप के तहत। तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने तो पहले ही खो दिया था सिद्धू जी को, उन्होंने रिजाइन कर दिया था राज्यसभा की टिकट से, तो इस ऐलान का डायरेक्टली बीजेपी पर असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी से वो पहले ही चले गए, उन्होंने राज्यसभा का टिकट पहले स्वीकारा और फिर छोड़ दिया, और किस वजह से छोड़ा ये उन्होंने बताया कि जिस तरह से बीजेपी और अकाली दल का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ये तो सिद्धू जी की भी क्रेडिबिलिटी है कि उन्होंने लेना नहीं चाहिए था, पहले उन्होंने लिया, राज्यसभा का टिकट स्वीकार किया, प्रधानमंत्री को धन्यवाद तक कहा, और डेढ़ महीने में उनको कुछ लगा कि ऐसा कुछ अजीबोगरीब हो गया है, जो अगर कुछ गलत था तो बहुत पहले से था। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मैं बहुत पहले से अकाली दल के खिलाफ बोल रहा हूँ, मुझे अमृतसर से हटा दिया गया, चार बार का मैं एमपी, उसके बाद मुझे कहा गया कि आप अकाली दल के खिलाफ मत बोलिए और मैं पंजाब में रहकर पंजाब की बात ना उठाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता, पंजाबियत की और पंजाबी की बात करनी है मुझे, और इसलिए उन्होंने अपना ही मोर्चा बनाया। वो कह रहे हैं कि पार्टी ने सुनी नहीं उनकी। बिल्कुल, तो जब तब पर सिद्धू जी अच्छी तरह से बखूबी, बिल्कुल, पर सिद्धू जी भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी और अकाली दल का वो गठबंधन है, तो जब उनको राज्यसभा का टिकट दिया जा रहा था तो उन्हें मना कर देना चाहिए था उस मौके पर। चलिए ठीक है, यही बात जो आप कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि नवजोत सिंह सिद्धू से बीजेपी अकाली दल गठबंधन को कोई खतरा होगा? वो चेहरा जो कि कभी आपकी पार्टी का एक बड़ा चेहरा हुआ करता था और आज आपके खिलाफ जब चुनाव मैदान में उतरेगा। मेरे साथ आप सपोर्टर ब्रजेंद्र मुदगिल हैं। ब्रजेंद्र, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है यहाँ पर शाजिया अलमी ने कि केजरीवाल का जो आज का बयान है, वो कहते हैं कि मैं पंजाब में खूंटा गाड़ कर बैठूंगा, और आज नवजोत सिंह सिद्धू ने सबसे ज्यादा केजरीवाल पर ही निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने आधा सच बताया, उनको यस मैन चाहिए, उनको हां जी कहने वाले लोग चाहिए, उनको सही बात कहने वाले लोग नहीं चाहिए, और इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो क्या वाकई केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के ना आने से उनके लिए मुकाबला और कड़ा हो गया है या और खतरा बढ़ गया है? देखिए, केजरीवाल जी अगर वहां खूंटा गाड़ के बैठे या ना बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है और जो उसका ओरिजिनेशन है, वो मूवमेंट से शुरू हुआ था, और इसको खड़ा कर, इसको बनाने के लिए जनता की बहुत बहुत बड़ी सपोर्ट थी, लोगों के एस्पायरेशन से बनी ये पार्टी, और पूरे देश में बहुत इस पार्टी ने सब जगह इलेक्शन लड़े, लेकिन चार सीटें आई तो वो आई सिर्फ पंजाब से। इसका मतलब अभी भी पंजाब के लोग एक बहुत बड़े परिवर्तन की आशा करते हैं, और इस आशा से उसी पंजाब में सर, उसी पंजाब में जो चार सीटें आई, दो एमपी आपके खिलाफ हो गए, उसी पंजाब में आपके एक एमपी के खिलाफ कितने ज्यादा विवाद हैं आप जानते हैं, उसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिसको दिल्ली ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, 21 विधायकों का प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नाम पर आज हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया उनका जो 21 विधायकों का मामला था, उन्हीं उसी आम आदमी पार्टी के तीन मंत्री जिनको जेल जाना पड़ा, उसी आम आदमी पार्टी के इतने सारे विधायकों को जेल जाना पड़ा, तो सर ये आम आदमी पार्टी 2014 में क्या कह के आई, क्या कह रही थी, पंजाब में कितने लोग जीत के आए और आज क्या कर रही है, तो जनता ये भी देख रही है सर। देखिए, ऐसे कोई भी मूवमेंट से जो भी दल खड़े होते हैं इस तरह से, वो हजूम की तरह होते हैं, उसको एक पार्टी बनने में टाइम लगता है, उसका एक प्रोसेस है। ये 67 सीटें जीत के आए, आपको अभी भी पार्टी बनने का यकीन नहीं है? नहीं, ये एक रिलेटिव प्रोसेस है, इसको मान लीजिए आप कि ये धीरे धीरे करके मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आती है लोगों में, ये और बात है कि तो आप मानते हैं कि नॉन सीरियस और बिल्कुल ये देखिए अमैच्योर पार्टी है? नहीं, ये तो लोगों ने एक तरह से अपनी मूवमेंट, इस मूवमेंट को अपने मतलब उसके साथ जुड़ गए, इसको अडॉप्ट कर लिया और उसको जिता दिया,
लेकिन एज ए पार्टी डेवलप होने में इसको टाइम लगेगा। शादियां तो पुरानी मेंबर में हैं, वो भी इस बात को समझती होंगी।